अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आपके साथ बेबी नायला। तो आज मेरे साथ बहुत ही प्यारी और क्यूट सेलिब्रिटी यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हुई है, मैडम सुल्ताना सिद्दीकी। ज़रूर आप इनसे वाकिफ़ होंगे और अभी हम इनको विज़िट करवा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट का। तो फिर चलते हैं मैडम, और फिर मैडम से भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। तो इस तरह से मेरे साथ आप चलें और दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी। और साथ है मैडम खुर्शीद नूरानी, ये भी अभी बाहर से आई हुई है, लंदन से आई हुई है। तो इनको भी ये यहाँ पर असल में पढ़ कर गई हैं, तो इनको शौक हुआ, वालेकुम सलाम, इनको शौक हुआ यहाँ पर स्कूल घूमने का, तो हम अब इनको स्कूल का ये विज़िट करवा रहे हैं। तो मुख्य वालेकुम सलाम, क्या हुआ था मैम? भाई मुझे ये बहुत अच्छा, मैं ज़रा शरीर सी थी तो वो जो नई लड़कियाँ आती थी, हाँ। मेरी दोस्त हैं अनीस हारून और क्या है नसीम, और ये लोग जो है लड़कियों को बताते थे हाफ टाइम में कि यहाँ जिन होता है, और यहाँ स्टोर था और मैं छुप जाती थी यहाँ पे, और अच्छा। मैं बहुत बड़ी सी आवाज़ निकाल के करती थी, फिर लड़कियाँ हो करके भागते थे, फिर मैडम वहाँ जिन है, फिर मैं यहाँ से भाग जाती थी। अच्छा, बीच में भी कमरा है। तो अभी अभी आप क्या महसूस कर रही है? मुझे जो ये एक अपनी आप यानी स्कूल बहुत बड़ा लगता था, वो बहुत छोटा लगता है। ये जो बेल बज रहा है वो हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमें वो बहुत बड़ा लगता था। अब पता नहीं वो कितना है, अभी छोटा है। अन्या आहे मथे आहे आहे तो साथ
पर हर रांद में हर हंध आपा शम्स मुखे मोकिली लाहौर में असासी मरी में चार छोकरियों बगैर सिंध में वेंदी हूँ तो मुख्य वी मतलब हूँ डांस ड्रामो फेवरेट हूँ आपा की मरियम ये पढ़ाकू घो हूँ ये पूरी सिंध की एथलीट रही अब मैडम बताएं आपको कैसा लगा सिंधी में होता है उर्दू में मेरा चैनल जो है ना वो उर्दू बहुत ही अच्छा लगा इतना अच्छा लगा कि आई वॉज रियली लॉन्गिंग टू सी दिस यू नो मैं यहाँ स्कूल से गई थी 1960 में अब मुझे हर चीज़ बड़ी छोटी छोटी लगने लगी बहुत दरवाजे छोटे लग रहे हैं सीढ़ियाँ छोटी लग रही हैं हमें लगता था ये स्कूल इतना बड़ा है कि इसकी कोई हद नहीं है लेकिन सब ये लेकिन पहले हमारे पास खेलने के लिए बड़ी चीज़ें होती थी यहाँ पे पीछे झूले और उसमें और चीज़ जो होती है क्या बोलते हैं उसमें फिसल पट्टियाँ और स्लाइड्स इतना होता था थोड़ा लॉन होता था बहुत खूबसूरत लगता था और स्कूल भी थोड़ा नया नया लगता था और इसका एक टिपिकल कलर होता था येलो और शायद रेड कलर का उसमें एक बॉर्डर होता था अच्छा वी यूज्ड टू जंप फ्रॉम देयर अच्छा और हमें लगता था कि इतनी ऊंचाई से हम छलांग लगा रहे हैं कि इसकी कोई हद नहीं अब सारी चीज़ें ज़रा छोटी छोटी नज़र आ रही हैं सही बाकी सब ठीक है आप लोगों ने तो बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ कंसीडरिंग आपको क्या मिलती होगी डोनेशन क्या मिलती गवर्नमेंट कैसा कितना हेल्प करती होगी आप लोगों बट यू पीपल हैव डन वेरी वेल यू नो आई मस्ट से दैट एंड देयर इज क्वाइट एन एनकरेजमेंट कि इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग इस स्कूल से किसी ऐसे मकाम पे पहुंच गए हैं इमेजिन करना आसान मैं थी गायनी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर प्रोफेसर मैं वहाँ से रिटायरमेंट हो गई लेकिन बस ये था कि आखिर में आके हर चीज़ पुरानी चीज़ें देखूँ सही तो इस दफ़ा मैंने अपनी बहन सुल्ताना को रिक्वेस्ट की कि सुल्ताना वी मस्ट गो लेकिन फिर मेरी फ्लाइट है 2-3 दिन के बाद मैं फिर पता नहीं कब आना होगा लेकिन मैंने इसे बहुत दफ़ा कहा है सुल्ताना चलो इस दफ़ा में टाइम मिल गया और इट वॉज़ वेरी नाइस ऑफ यू टू वेलकम अस थैंक यू सो मच जी मैम हाँ अजमायते बीरा स्कूल में आई है आज कैसा लग रहा है आज कैसा लग रहा है आपको कुछ बचपन बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि कौन पहचाने कौन नहीं मुझे पहचानने का नहीं लेकिन मैं अपने स्कूल को देखना चाहती थी और उसी वार्म वेलकम जिस तरह आप लोगों ने किया वो मुझे अच्छा लगा और एक एक चीज़ दिखाई तो हम पुरानी चीज़ों में चले गए खुशी दौर में मैं एक दफ़ा पहले भी कोविड में आई थी लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये वो इदारा है जिसमें से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं रुबीना कुरैशी है मेहताब है पूरी खुर्शीद नूरानी है दूसरी ऐसी कई बड़ी बड़ी डॉक्टर्स निकली हैं फिर उसके अलावा मैं हूँ आपके अनीस हारून हैं जो ह्यूमन राइट्स के औरत फाउंडेशन की हेड है तो अब हम ये जो एक थॉट होती है कि गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती लेकिन मैं समझती हूँ आप लोगों को देख के मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई हुई है क्योंकि मैं कुछ स्कूल्स में गई उसमें इस तरह के अच्छे टीचर्स क्या मतलब बेचारे बड़े परेशान लेकिन जिस तरह आप लोगों को देखा तो मुझे अपना टाइम याद आया कि आपा मरियम आपा शम्स आपा अमीना होती थी जो हमें हर एक्टिविटीज़ में आके ले जाती थी
क्योंकि ये भी बड़ी एक बात होती है, ये भी एक तालीम है। हम सिर्फ दादी लीला हमें गाना सिखाती थी जो मैं ज़िंदगी भर में सीख सकी, लेकिन मैंने फिर मैं म्यूजिक की डायरेक्टर बन गई। वॉशरूम सिंगर है। हाँ, नहीं मैं तो वैसे भी गाती रही, बाथरूम नहीं, मैं तो रोड सिंगर भी हूँ, गाती रहती। लेकिन जो कॉन्फिडेंस उन टीचर्स ने दिया, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि टीचर्स को बच्चियाँ जो अच्छी हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारी साइकी है कि हम जो बोल्ड लड़कियाँ होते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। ये भी एक सब्जेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे पास MBA BBA और पता नहीं कौन कौन से लोग आ जाते हैं और वो एक बात नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, लेकिन जो इस ऐसे स्कूल्स की पढ़ी बच्चियाँ आती हैं और बिल्कुल लोअर क्लास से होती हैं, लेकिन उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है, तो मैं ये सोचती हूँ ये उनकी टीचर्स, ये उनके घर की तरबियत है। तो हमें इन चीज़ों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। एक और चीज़ जो मैं, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रही हैं तो ये मेरा पोर्शन जिसको भी चाहे सुनाएं या क्या करें, इस वक्त बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया आया है वो बिल्कुल बेलगाम चला जा रहा है। वो इस तरह की जो है वो बातें चीज़ें होती हैं, बच्चे उनसे सीख रहे हैं। हमारे लिए जो तरबियत थी स्कूल और घर था, अभी वो तरबियत खुद हासिल करें अपने सोशल मीडिया से, तो हमें ये अटेंशन देना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा दे। एक और चीज़ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, बेशक आप पोर्शन से लगाइएगा। मैं स्पोर्ट्स में भी थी, डिबेट्स में भी थी और उसके साथ ड्रामा डांस जितनी भी आप जो एक्स्ट्रा करिकुलरिटीज़ हैं उसमें, और पढ़ने में भी थी। तो मैंने एक ये चीज़ देखी कि इस करने से जो है ना बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। और वो सिर्फ नहीं, मैं जब ये करती थी स्पोर्ट्स में, जब मैं थी आपा शम्स हमें गेम्स खिलाती थी, तो जब वो गेम्स खिलाती थी तो हमारा टाइम जाता था, जिन ज़माने में स्पोर्ट्स चल रही होती थी, आपके यहाँ भी होता होगा, तो वो जब ख़त्म होता था तो आपा मीना या आपा मरियम मुझे कहती थी, सुल्ताना शाम को घर पे आना है, तुम्हारी क्लासेस बहुत मिस हो गई हैं, तो वो क्लासेस तुम्हें हम घर में पढ़ाएंगे। मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आप उस उन टीचर्स की डेडिकेशन देखी कि वो हमें फ्री में, अब तो हर चीज़ में ट्यूशन भी लो और पैसे भी दो, वो खाना भी खिलाती थी, पढ़ाती भी थी, एक्स्ट्रा उसमें करवाती भी थी। तो ये जो चीज़ है ना, ये अगर बासलाहियत बच्चियाँ तो इनको ये टीचर्स को ये हिम्मत कर। थैंक यू सो मच। और नायला, मैं वाकई बहुत खुश हूँ आप सब लोगों को देख कर, और एक होप जो है वो बढ़ गई है। थैंक यू। तो मैडम से मिलकर और मैडम से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, और हमें लग नहीं रहा है कि हम जो है वो इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम बरसों के बिछड़े हुए कोई साथी हैं, कोई दोस्त हैं, या हम इनके अंडर में कोई काम कर चुके हैं, या ये हमारे बड़े हैं। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है मैडम से और आपसे, और इंशाल्लाह अगर वक्त ने हमें इजाज़त दी और कहीं पर हमारी मुलाकात हुई तो फिर इंशाल्लाह हम इस तरह से घुल मिल कर बैठेंगे और इस तरह से हमारी जो महफिल है ना, फिर दोबारा हम जो है वो महफिल को और सजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत बड़ी लंबी जिंदगी देगा, और क्योंकि आप अब तो आप हमारे साथ हैं। मैं बड़ी थैंक यू सो मच। चलिए जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलते हैं किसी और दूसरे किसी टॉपिक पर, तब तक के अल्लाह हाफिज़।